लगातार जो प्रत्याशी हैं अपनी अपनी जीत का जश्न पहले से ही मना रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनके सेफ बूथ थे वहां की काउंटिंग हो चुकी है और बहुत ज्यादा मार्जिन से आगे चल रहे हैं। ऐसे में अमित जी हमारे साथ हैं, पहले भी विधायक रह चुके हैं, पहले तो अग्रिम बधाई आपको। धन्यवाद, मेरे आपको भी, आपके चैनल के माध्यम से हमारी जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने फिर से मुझे मौका दिया, पहले इंडिपेंडेंट के तौर पे दिया, इस बार भारतीय जनता पार्टी के तौर पे दिया, तो मैं अपनी जनता 384,000 मतदाता को अपनी ओर से बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। जाहिर तौर पे अपार प्रेम लोगों ने आपको दिया है तो अभिनंदन तो बनता है। ऐसे में आपने अभी भी कहा कि आप पहले भी विधायक रह चुके हैं, क्या ऐसे काम थे अमित जी जो छूटे रह गए और इस बार सबसे पहली प्राथमिकता आप उनको देंगे? देखिए, पहला प्राथमिकता तो युवाओं को नौकरी दिलाना, पढ़े लिखे बेरोजगार जो झारखंड में ठके जा रहे हैं, जिनकी नौकरियां बेची जा रही है, उनके लिए हम लोगों को लड़ाई लड़ना है और उन्हें पहले अधिकार दिलाना है। दूसरी विषय है कि हमारे किसानों को खेतों में बिजली देना था, पानी देना था, वो से विषय हमारी बहनें का जो इज्जत लूटा जा रहा है झारखंड में। झारखंड की जो स्थिति पिछले 5 सालों में थी, ये इस 5 साल में नहीं, इसके लिए हम लोगों को संघर्ष करना है। आज हमारे बड़े संख्याक से युवा बाहर जा रहे हैं नौकरी की खोज में, वहाँ पर किसी न किसी कारण से उनका डेथ होता है, फिर मतलब प्रवासी मजदूर का किस प्रकार से हम लोग से वहाँ से उनके अर्थी को लाते हैं, पार्थिव शरीर को लाते हैं, और कितना मुसीबत होता है इन सब। अगर उनको रोज़गार झारखंड में मिल जाए, हमारे जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवक जो बाहर नौकरी करने जाते हैं, उनको अगर झारखंड में नौकरी मिल जाए, तो ये सब बड़े मुद्दे हैं। हमारा जो झारखंड जो सबसे रिच स्टेट है, इसके बाद भी यहाँ के युवा जो बाहर भटक रहे हैं, ये बहुत बड़ा मामला है। इन मुद्दों को लेकर हम लोगों को संघर्ष करना है। ये तो हो गई राज्य स्तरीय बातें, बरकट्ठा में क्या ऐसी समस्याएं आपने काफी करीब से देखी इन वर्षों में, जिनमें सबसे पहले आप इस बार जीत हासिल करने के बाद काम करेंगे? देखिए, किसी भी क्षेत्र में पुल, पुलिया, रोड, बिजली, ये सब बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे जो विधानसभा, बरकट्ठा विधानसभा के मैक्सिमम युवा प्रदेश में रहते हैं, प्रवासी रहते हैं, ये बड़ा मुद्दा है। अगर इतने लार्ज स्केल में, अगर आपके क्षेत्र के, अभी मान लो 61% हमारे यहाँ पोलिंग हुआ, इसका मतलब कि 40% लोग बाहर हैं, ये बड़ा मुद्दा है। अगर किसी भी कंस्टिट्यूएंसी का 40% लोग अगर किसी ना किसी कारण से बाहर हैं, तो ये बड़ा मुद्दा है। तो हमारे विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। धरातल पर कैसे उतारेंगे? इसके लिए संघर्ष करना है। सरकार किन्हीं की बनी, अगर भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो उनसे प्रेम से बात करके, या नहीं तो फिर अगर किसी की बनती है तो उनसे आग्रह करके, उनके लिए विधानसभा से लेकर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करके हम लोग करेंगे इसको। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ कुछ समर्थक भी है साथ में, उनसे भी हम लोग बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका और कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? मेरा नाम अनिल कुमार आजाद है और संजोग और सौभाग्य है कि हमारे लोकप्रिय नेता, बरकट्ठा के जन जन के नेता, हमारे युवा विधायक श्री अमित कुमार यादव जी हैं और सामने में बहुत गदगद हैं, बहुत खुश है। यह सबसे पहले बरकट्ठा विधानसभा के सभी देवतुल जनता को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आज यह चुनाव यह सत्य पर सत्य का विजय हुआ है। जिस तरह आम जनता, गरीब गरुआ, मतदाता ये माननीय अमित जी के प्रति जो आस्था और श्रद्धा विश्वास रखे हैं, इस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। और हम लोग यह कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जितने लोग तन मन धन समर्पण होकर जो काम किया चुनाव में, उनको भी दिल से हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। बहुत शुक्रिया आपका। आपने देखा कि जब उनके कार्यकर्ता बात कर रहे थे, मुखातिब हो रहे थे हजारीबाग अपडेट्स की टीम से, तो आपने देखा कि किस तरह आंखें जो हैं अमित जी की, वो नम हो गई। अब इसी के साथ इजाजत दीजिए, नए प्रत्याशी, उनकी जीत और उसके साथ हजारीबाग अपडेट्स जरूर हाजिर होगा। तब तक के लिए शुक्रिया।